रिकार्डो के किचन में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए मंचूरियन बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी के मंचूरियन। तो चलिए, फिर पत्ता गोभी को हमने यहाँ दो पीस कर लिए हैं, अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। यहाँ बड़ा वाला में हम कर रहे हैं, छोटा वाला नहीं कर रहे हैं, बड़ा में करेंगे तो अच्छा बनेगा। अब पत्ता गोभी के हमने यहाँ पे अब कद्दूकस कर लिए हैं, अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हम निकाल देंगे। अब इसमें से हम एक्स्ट्रा पानी निकाल दिए हैं, अब इसे हम मिलाएंगे एक कटोरी बेसन। और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और जीरा। एक चम्मच मिर्च, गरम मसाला और अदरक का पाउडर। और स्वाद के हिसाब से नमक। इसमें हम पानी नहीं रखेंगे, इस तरह बगैर पानी को ही मिलाएंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा के फ्राई करेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा लिए हैं, अब इसमें हम रिफाइंड रखेंगे। अब इसे हम हाई फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। अब हम चेक करते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं। तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम बना के डालेंगे। अब हम छोटी छोटी गोली बना के हम फ्राई करेंगे। गैस को अभी हम थोड़ा सा हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। फ्राई होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, इसे हम प्लेट में निकालेंगे। देखिए मंचूरियन हमारा बनके तैयार है। बहुत ही करारी सी मंचूरियन है, देखिए। और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। मंचूरियन बनके तैयार है और सॉस और चटनी के साथ इस तरह आप भी खाइए और बच्चे को भी खिलाइए और बड़े को भी खिलाइए। तरह आप भी बनाइए और खाइए और कमेंट में बताइए कैसे बना।